अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां एक रिटायर्ड कर्मचारी द्वारा 30 साल पहले खरीदे प्लाट को दो ठगों ने वापस बेच डाला। घटना महाराजापुरा के लक्ष्मणगढ़ पुल के पास की है। घटना का पता चलते ही पीड़ित थाने पहुंचा और मामले की शिकायत की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हनुमान नगर निवासी 70 वर्षीय मुकुंद सिंह पुत्र जगमोहन जादौन औद्योगिक प्रशिक्षक संस्था से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। करीब 30 साल पहले लक्ष्मणगढ़ पुल के पास उन्होंने एक प्लाट राम प्रकाश व धर्मपाल से खरीदा था। उस समय जबलपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में शासकीय नौकरी में होने के कारण जबलपुर रहते थे, इसलिए प्लाट का निर्माण नहीं करा सके। अभी जब वह वापस आए और अपने प्लाट पर पहुंचे तो यहां पर पूरी कॉलोनी का नक्शा ही बदला हुआ था। यहां पर राकेश गुर्जर पुत्र वकील सिंह गुर्जर, नरेश पुत्र सरनाम गुर्जर, जीतू पुत्र नरेश गुर्जर व दीप कुमार धानुक पुत्र नरेश चंद्र धानुक आ गए और जमीन अपनी बताते हुए विवाद करने लगे। साथ ही बताया कि यह जमीन उनकी है, वह इस पर निर्माण नहीं करा सकते। जब उन्होंने अपने दस्तावेज दिखाए तो उनका कहना था कि यह जमीन राम प्रकाश व धर्मपाल ने उन्हें बेची है। इसका पता चलते ही वह धर्मपाल व राम प्रकाश के पास पहुंचे तो पता चला कि उन्होंने जमीन बेची ही नहीं है, बल्कि उन्होंने जबरन कब्जा कर लेआउट बदल दिया है और रजिस्ट्री कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कुछ कार्यवाही करने में असमर्थता जताते हुए हाथ खड़े कर दिए। ठगी का शिकार पीड़ित रिटायर्ड कर्मचारी महाराजपुरा थाना पहुंचे और पूरे मामले से अवगत कराया। इसके साथ ही अपने दस्तावेज भी दिखाए और मामले की शिकायत की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर जांच के बाद धर्मपाल व राम प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महाराजपुरा थाना प्रभारी पंकज त्यागी का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में जमीन बेचने वाले दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी।